2020, एक साल जिसको काफी खास होना था। बहुत कुछ करना था और इस नए साल की शुरुआत हमने बेहद खुशी, जोश और उम्मीदों के साथ की थी। हम में से कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि ये साल कैसा होगा। The bushfire crisis has exploded on a scale never experienced in this state. Conditions are difficult and overwhelming. Shaheen Bagh continued to protest and ushered in the new year. Coronavirus is a pandemic. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। Hundreds and thousands of migrants desperate to reach their homes in rural India. 20 of its soldiers have been killed by Chinese troops in the disputed Kashmir region. This is the first deadly clash on this border in 45 years. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe after an officer knelt on his neck. Thousands of Indian farmers have been camping out at the border of New Delhi for almost 2 months to protest against new farm laws passed by the Narendra Modi government. ये कहना गलत नहीं होगा कि ये साल बहुत मुश्किल रहा। वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, इंसेक्ट प्लेग्स, ऐसे लगा जैसे सारे नेचुरल डिजास्टर्स इसी साल होने थे, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों जाने गई। और कोविड-19 के चलते हमने इतिहास का सबसे बड़ा वायरल दुश्मन देखा, जिसने हमें रास्तों से साफ कर अपने घर बैठने पर मजबूर किया। हम में से कईयों ने खोए अपने करीबी, अपने घर, अपने जॉब और अंत में अपना विश्वास एक सुनहरे कल में। The global pandemic affected the lives of each and every single one of us. All the 7.8 billion people all around the world have a unique story to tell about this extraordinary year. And today, I want to share my story with you. साल की शुरुआत में मैं मुंबई के सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पढ़ने वाला एक मास मीडिया का फाइनल ईयर स्टूडेंट था। अब क्योंकि हम जानते हैं कि मास मीडिया का दूसरा नाम फेस्टिवल्स होता है, जनवरी में हमारी पूरी क्लास अपने लास्ट VMM फेस्टिवल कटिंग चाय की तैयारी कर रही थी। और इसी दौरान मुझे लगातार दूसरे साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ड्रामा 2020 का किताब मिला। साथ ही साथ जब कॉलेज प्रोजेक्ट्स और रिहर्सल से फुर्सत मिले, तब मैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD की एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा था। फाइनली जब फेस्टिवल्स की डेट आई तो उसके साथ FTII की एंट्रेंस टेस्ट JET की डेट्स भी आ गई, जिसकी टाइमिंग्स मेरे डांस परफॉर्मेंस के साथ क्लैश हो रही थी। फिर फेस्टिवल के बस एक हफ्ते पहले मुझे उस डांस से बैकआउट करना पड़ा जो मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड्स का एक साथ एक लास्ट डांस परफॉर्मेंस हो सकता था। फिर लास्ट फेस्ट के पहले दिन मैंने अपने कॉलेज की तरफ से अपना फाइनल ड्रामा परफॉर्मेंस दिया और इमोशंस को जेब में डाले मैं सीधा घर अगले दिन होने वाले JET की पढ़ाई में लग गया। दूसरे दिन 3 घंटे की टेस्ट खत्म करके मैं सीधा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचा, जहां हमारा कॉलेज फिर एक बार फर्स्ट आया। और कटिंग चाय में इसी जीत के साथ हमारी BMM फेस्ट की जर्नी खत्म हुई। पर एक नई शुरुआत मेरा इंतजार कर रही थी। माय फर्स्ट जॉब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर नासिक के येवला गांव में सेट लगा था फॉर अ 15 डेज लॉन्ग शूट। मीनवाइल इन कॉलेज देयर वाज अ सेंड ऑफ सेरेमनी आई मिस्ड, दो आई कुड सी एवरीवन लाफिंग एंड डांसिंग थ्रू वीडियो कॉल्स। फाइनली 2 महीने में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने जा रहा था। लास्ट फेस्टिवल भी हम जीत चुके थे, दोस्तों के साथ भी दिल भर के एंजॉय कर लिया था। और कॉलेज खत्म होने से पहले आई हैड अ जॉब। एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट अंटिल वी रिसीव द लेटर फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। कोविड के बढ़ते खतरे की वजह से शूटिंग बीच में रोकनी पड़ी और बस अगले ही दिन पूरा क्र्यू वापस मुंबई आ गया। और उसके अगले दिन मैं अपने घर गांधीनगर। मेरे आने के कुछ ही दिन में लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हुई और लगा कि जैसे बस कुछ ही दिनों की बात है। और इसी लॉकडाउन में मेरा बर्थडे आया, जो नॉर्मल ही था क्योंकि लॉकडाउन लगे बस 5 दिन हुए थे। उल्टा इट फेल्ट नाइस फॉर अ चेंज टू हैव अ होममेड केक एंड स्पेंडिंग द एंटायर डे विद फैमिली। लॉकडाउन के चलते एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए थे। हमने आपस में घर के सारे काम बांट लिए थे। अपना रोल शिद्दत से निभाते हुए
अब मैं खुद को प्रोफेशनल शेफ समझने लगा था। सिचुएशन को समझ के पॉजिटिवली जीने की कोशिश तो कर रहा था, पर कहीं ना कहीं हल्का सा डर भी था कि कहीं ऐसे ही पूरा साल घर ना बैठना पड़े। ऐसे में इरफान खान के गुजरने की खबर आती है, एंड सरप्राइजिंगली इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस। इतना के मैं कई दिन तक गहरी सोच में डूबा रहा। I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. साल की शुरुआत काफी उम्मीदों के साथ की थी और वही उम्मीदें अब धीरे धीरे खोती चली जा रही थी। लॉकडाउन लगे अब 2 महीने हो रहे थे। Amazon Prime, YouTube और Netflix के सहारे दिन बड़े जल्दी निकल रहे थे, पर फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन सा था। Few of my friends from Mumbai were making short films, which inspired me to try my hand at filmmaking. I have always been very curious about all the work that goes into making of a film. So I finally decided to make a short film about the fear of coronavirus and soon had a goal to achieve. After a week, I was extremely tired and happy with a short film named Crisis, made all by myself. Being in every person's shoes on the set, I felt like I may have learned the most during the entire making of Crisis. Though when the film was ready, I was thoughtless, having no clue what I'd be doing next. So I did the obvious. PUBG khelna shuru kiya. Just when I thought I got habitual to the new normal, one day, I woke up to the news of Sushant Singh Rajput's demise. Just like me, the whole nation was shocked and couldn't digest the fact that this really happened. Sushant ka career ek aisa career hai, jo Mumbai mein reh rahe har outsider actor ka sapna hai. Playing variety of characters with the biggest directors in the biggest films of the country, aur hame abhi tak uski death ka real reason na mile. This genuinely makes me think, being an outsider actor myself, where am I really headed? Soon enough, there was too much of chaos around and everyone had their own theories. But yet, there was this one common inevitable thought that brought the whole country together, that if this can happen to him, it can happen to any one of us. Kisi ne sahi kaha hai, insaan ki asli keemat uske door chale jane ke baad hi pata chalti hai. ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है।